हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग। गाइज, हमेशा की तरह कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल सिखाने के लिए आप सभी के बीच आ गई हूँ। गाइज, मॉडर्न ट्रेडिंग चैनल पर, आपके अपने चैनल पर, आप सभी को डेली कुछ ना कुछ नॉलेजेबल प्रॉफिटेबल वीडियोज़ में नया नया कंटेंट देखने को मिलता है, जो आप सभी को ट्रेडिंग करते समय हेल्प करता है, ट्रेडिंग करने में, प्रॉफिट अर्न करने में, लॉस की रिकवरी करने में और लॉस से बचने में, है ना। सो गाइज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ट्रेड प्रेस करने का एक्चुअल में सही पैटर्न क्या है और हम किन किन गलतियों को करते हैं, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए गाइज, और किस तरह से हम एक्चुअल में प्राइस एक्शन और ट्रेड प्रेस करने का सही तरीका, फंडामेंटल, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के किन किन चीज़ों के बेसिस पर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, इंडिकेटर्स को हमें एक्चुअल में यूज़ करना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं गाइस कि इंडिकेटर्स कौन से बेस्ट, आप जो है दो इंडिकेटर रिकमेंड करेंगी, किन इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए, किन इंडिकेटर्स से बचना चाहिए गाइस। तो गाइस, फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में हमें इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, अगर यूज़ करना भी चाहिए तो कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, किन इंडिकेटर से हमको बचना चाहिए। ओके, सो गाइस, आज की इस वीडियो में फाइनली आपका ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कि ट्रेडिंग करते समय हमें किन इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए, किन से हमें बचना है और हमें यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ों की आपकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, सारा कन्फ्यूजन मैं आप सभी का दूर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं भी आपने गाइस वीडियो मिस किया तो गाइस वीडियो का पूरा कंटेंट मिस हो जाएगा। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है आप सभी के लिए, ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, पुराना लॉस हो गया उसकी रिकवरी करना चाहते हैं और लॉस से बचना चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गाइस, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग को ज्वाइन नहीं किया हुआ है गाइस, तो फटाफट से अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी जाइए, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा मॉडर्न ट्रेडिंग चैनल, जहां आप सभी को 110% एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉस की रिकवरी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न ट्रेडिंग को फॉलो करके अपना लॉस रिकवर किया भी है। ओके, सो अभी ज्वाइन कीजिए राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यूटैक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है वो भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यूटैक्स पर जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको प्रीमियम रिलायबल वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, जहां आप सभी को और ज़्यादा पब्लिक ग्रुप और वीआईपी ग्रुप के सेशंस को फॉलो करके आप अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओके, सो ज्वाइन राइट नाउ गाइस। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर्स को हमें एक्चुअल में यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, कौन से इंडिकेटर्स बेस्ट हैं, किनको हमें इग्नोर करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइज, मैं आज क्यों हूँ यहाँ मैकबुक की स्क्रीन पर क्यूटैक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को $20,000 का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं। ओके, देन गाइज, आज की मैं फर्स्टली प्रॉफिट रेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर गाइज 22 मार्च, आपके ये वीडियो बाद में पहुँचेगी, थोड़ा सा लेट पहुँचेगी, 3900 मैंने आज का जो है यहाँ पर प्रॉफिट रेट अर्न करके रखा हुआ है। एंड गाइज, आप सभी को शो करूँ मैं यहाँ पर 14th पोजिशन पर यहाँ पर बैठी हुई, हम देख सकते हैं 14th मैंने यहाँ पर पोजीशन अर्निंग करके रखी हुई है, लगभग मैंने $4,000 का मैंने आज प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, सो गाइज, फाइनली आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिकेटर के बारे में। तो गाइज, फर्स्टली आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, इंडिकेटर्स ठीक है आपको इंडिकेट करते हैं आपके मार्केट के प्रोडक्शन करने में, मार्केट का ट्रेंड पता करने में। ओके, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंडिकेटर आपको कन्फ्यूज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं आपके सही एनालिसिस से, सही फंडामेंटल से और सही स्ट्रेटजीज। ओके, सो गाइज, हमें कोशिश करनी है कि हम इंडिकेटर्स को कम से कम यूज़ करें। ओके, और वही यूज़ करें जिन चीज़ों को हम फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने में आपको इजी होता है और आप मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के पैटर्न को, कैंडलस्टिक्स पैटर्न को इजीली समझ पाते हैं। तो गाइज, वही चीज़ें, वही इंडिकेटर आपको यूज़ कीजिएगा। फर्स्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जैसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आप सभी देखते होंगे मेरी हर वीडियोज़ में, आपको ये ज़िगज़ैग का इंडिकेटर आपको हमेशा लगा हुआ रहता है, मिलता है। ओके, सो गाइज, मैं इस ज़िगज़ैग इंडिकेटर को हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि ये इंडिकेटर हमेशा यूज़ करें, आपको ईजिली क्लियरिफाई करता है कि मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है और मार्केट का ट्रेंड जो है कब चेंज होने वाला है, कब चेंज हो चुका है। ओके,
बहुत कंफर्टेबल इंडिकेटर है, मैं इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी ने देखा होगा मैं फालतू किसी इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिकेटर गाइस होते ही आपको डाइवर्ट करने के लिए। ओके, इसके अलावा एकाध ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं, ओके, एलिगेटर वगैरह सभी, लेकिन मैं यहाँ पर जो दो तीन इंडिकेटर हैं मैं इनको रिकमेंड करूँगी, एक तो RSI, MACD, ओके, इसके अलावा जो आपको और कोई भी इंडिकेटर अगर अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको कंफर्टेबल नॉलेजेबल प्रॉफिटेबल देता है, तो आप उनको यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन जिनसे आप पैटर्न अपना ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स में कर्व है, क्रॉस लाइन है, आर्क है, इनको गन बॉक्स है, इनको आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको क्लियरली यूज़ करना आता हो, अदरवाइज हवा हवाई आप यूज़ करेंगे तो फिर लॉस खाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो गाइज, बाकी आप ट्रेड करने के लिए आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप उतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ये कन्फर्म देख सकते हैं। 22 मार्च है, ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री, मैंने यहाँ पर सारी की सारी ट्रेड प्रेस की हुई है और देख सकते हैं कंटिन्यू हमारी विन भी है, और हमने अबव 4000 डॉलर का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। और मैं आपको ट्रेड प्रेस करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, केवल ज़िगज़ैग इंडिकेटर के बेसिस पर ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे, जितना ज़्यादा आप इंडिकेटर्स के चक्कर में आएंगे, उतना ज़्यादा लॉस खाएंगे। ओके, सो लिमिटेड नॉलेज लीजिए, उसी से आप अर्निंग कीजिए। ओके, जैसे कैंडलस्टिक्स में आपको यहाँ पर एक मैंने बताया हुआ है, ये ग्रैव स्टोन हमें देखने को मिल रहा है, ग्रैव स्टोन मतलब हमें इंडिकेट करता है, ग्रैव मतलब धरती की तरफ, जमीन की तरफ, मैंने आपको बताया हुआ है जो आप मेरी वीडियो में देखेंगे, ग्रैव स्टोन के बारे में, ड्रैगन फ्लाई के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। जब ड्रैगन फ्लाई हमें देखने को मिलता है तो मतलब मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाता है, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बनती है जो कि यहाँ पर बनी हुई है गाइज, और यहाँ पर ये है हमारा ये वाला, ये आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई, एवब ड्रैगन फ्लाई टाइप की, इस टाइप की अगर कोई आपको कैंडल देखने को मिलती है जो कि इंडिकेट करता है हमारा मार्केट अपवर्ड जाएगा, नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी जो कि बनी हुई भी है, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट हमारा अपवर्ड भी गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो गाइस, इन्हीं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बेसिस पर आप ट्रेड प्रेस करेंगे इंडिकेटर ज़िगज़ैग को यूज़ करके, जो कि आपको इजीली क्लेरिफाई करेगा कि आपका जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, सो गाइस, ज़्यादा आप सभी को किसी और चीज़ के, किसी और फालतू इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, सो होप सो आप सभी को आज की इस वीडियो में ये चीज़ तो क्लियरली हुई होगी कि कौन से इंडिकेटर हमको यूज़ करने हैं। ओके, सो गाइस, मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्रेस करने वाली हूँ 30 सेकंड्स के बाद, और 30 सेकंड्स के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हम जो ट्रेड प्रेस करेंगे उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, सो गाइज, हम 20 सेकंड्स का वेट करेंगे। इसके अलावा गाइज, EUR पर हमें 91% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मार्केट हाईली वोलेटाइल है। EUR USD पर 87% हमें प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा है। इसके अलावा किसी और करेंसी पेयर की बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है, और EUR JPY पर मार्केट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ना, तो कुल मिला के मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। ओके, सो गाइस, थोड़ा सा हमारा टाइम 2 सेकंड डिले हो चुका है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, सो मैंने डाउनवर्ड की ट्रेड ले ली है। ओके, $100 मैंने केवल इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल बड़ा है तो अपना बिना रिस्क के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा एंट्री का जो सही टाइम होना है वो तो यूँ आप जानते हैं कि हमारा स्टार्टिंग जो कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बनने वाली होती है उससे 2 सेकंड पहले का हमारा जो है राइट टाइम होता है ट्रेड प्रेस करने का। ओके, मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए मैंने अभी कुछ थोड़ा सा ट्रेड डिले प्रेस की थी, इसलिए हम कुछ खास होप नहीं लगाए बैठे गए इस ट्रेड से। ओके, देखते हैं, फिलहाल 20 सेकंड्स है क्योंकि मैं नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ, और नेक्स्ट ट्रेड पर प्रेस करूँगी अपनी टाइमिंग के हिसाब से। आपके लिए मैं अलग से नई ये वीडियो भी लेकर के आऊँगी कि आपका ट्रेड एंट्री लेने का सही टाइम क्या है। ओके, एंट्री ट्रेड की एंट्री और एग्जिट का सही टाइम क्या है। फिलहाल ये ट्रेड हमारी गाइज आई थिंक रिफंड है, तो गाइज ये ट्रेड हमारी रिफंड है, आप देख सकते हैं ये कुछ 0 पॉइंट के साथ कुछ इस तरह से हमको रिफंड मिली है। ओके, सो फिलहाल हम अभी ना यहाँ पर ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, जितना हमने प्रॉफिट आज का अर्न करके रखा था हम वही प्रॉफिट अभी अर्न किया हुआ है। ओके, सो गाइज 40 सेकंड्स के बाद यहाँ पर नहीं नेक्स्ट ट्रेड में प्रेस करने वाली हूँ, और देखते हैं जब तक कोई और हमें स्टेबल करेंसी पेयर मिल जाए जहाँ पर हमें थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट ना देखने को मिले। ओके, सो गाइज EURUSD पर हम यहाँ ट्रेड प्रेस करते हैं, 87% रिटर्न मिल रहा है। ओके, इसके अलावा गाइज अगर बात करें तो सब पर हमें कुछ यहाँ तक करेंसी पेयर ठीक है, GBP JPY पर मार्केट ऐसा है। ओके, सो गाइज़ यहाँ पर हम ट्रेड प्रेस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है, रिस्की है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करूँगी गाइज़, 5, 4, 3, 2।
ओके सो गाइस मैंने यहाँ पर $200 अपॉर्ट के लिए मैंने प्रेस कर दिए हैं। फर्स्ट जो मैंने ट्रेड प्रेस की थी $100 की, वो हमारी रिफंड गई थी। ये ट्रेड मैंने $200 मैंने जो है प्रेस कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं अपने अपॉर्ट डायरेक्शन की, और देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। 45 सेकंड्स अब हमारे पास टाइम है, देखते हैं। मार्केट साइडवेज चल रहा है, लेकिन लास्ट के 2 सेकंड्स हम कुछ नहीं कह सकते मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि इस करेंसी पर हमें शेडोज जो है वो आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। और मार्केट फुली साइडवेज चल रहा है, और फुली साइडवेज में आप जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट होता है, ऐसे में हमें हाईली जो कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं गाइस, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर हम करेंसी पेयर चेंज करेंगे। ओके सो मार्केट वोलेटाइल है, अगेन यहाँ पर हाई शेडो देखने को मिली है, और देखते हैं गाइस। ओके सो नेक्स्ट करेंसी पेयर ले लेंगे अपना, ये तो हमारी फिलहाल ट्रेड लॉस में गई है। सो गाइस यहाँ पर हम ये ट्रेड 2000 डॉलर मैंने वही जो है इन्वेस्ट किया है अपना पहले की लॉस रिकवरी के लिए, प्लस $200 मैंने अपनी पुराने लॉस की रिकवरी करने के लिए, प्लस $200 अपना प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पर $400 इन्वेस्ट कर दिया है। ओके सो गाइस क्लोज पॉइंट पर मार्केट है अभी, ये फिलहाल हमारे बिनिंग में आ चुका है, अगेन क्लोज पॉइंट आ चुका है, अगेन लॉस में आ चुका है। मार्केट कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंट कर रहा है आप देख सकते हैं। सो 30 सेकंड्स के बाद हमें ट्रेड का रिजल्ट पता चल जाएगा गाइस, वेट करेंगे। 25 सेकंड्स है हमारे पास। ओके सो गाइस वेट करेंगे। 15 सेकंड्स है गाइस, क्लोज पॉइंट पर है। 10 सेकंड्स हमारे पास, 2 क्लोज पॉइंट पर पहुंच चुका है मार्केट, देखते हैं क्या हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। आई थिंक क्लोज लॉस, सो गाइस हमें यहाँ पर क्लोज लॉस देखने को मिला है। ओके सो गाइस अभी हम ओवरऑल $600 हम लॉस में आ चुके हैं। ओके $500 में यहाँ पर $600 में दो ट्रेड प्रेस करूँगी, $600 अपना लॉस रिकवरी प्लस $600 अपना प्रॉफिट के लिए। ओके सो 40 सेकंड्स के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ, और एक ही ट्रेड में गाइस देखिए डेफिनेटली चैलेंज करती हूँ, एक ही ट्रेड में अपना हम सारा लॉस रिकवरी कर लेंगे प्लस प्रॉफिट में भी आ जाएंगे हम। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर $1,200 में यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली हूँ अगेन। ओके सो गाइस देखते हैं मैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। मार्केट वोलेटाइल है, जिसमें फर्स्ट ट्रेड हमारी रिफंड गई थी आप जानते हैं। ओके सो गाइस नेक्स्ट ट्रेड मैं यहाँ पर प्रेस करने वाली हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सो गाइस मैंने यहाँ पर दो ट्रेड इन्वेस्ट कर दी हैं $600। ओके सो देखते हैं गाइस हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। 50 सेकंड्स हमारे पास, वेट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट गाइस आपको तो लेकर के हमेशा चलना है, हमेशा बोलती हूँ आपको, क्योंकि अगर आपका कैपिटल बड़ा है तभी आप $600 या फिर यू नो $1,200 की ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि अगर आपका कैपिटल छोटा है तब सोचते हैं कि मैं $1,200 की एक साथ ट्रेड ले लूँ, ये पॉसिबल नहीं है गाइस। सारा का सारा कैपिटल आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको लॉस देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था आप चैलेंज कर लीजिए 110%, मैं नेक्स्ट ट्रेड में अपनी सारी की सारी लॉस की रिकवरी कर लूँगी प्लस अपना प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। सो पुराने हमने जो पहले $600 में जो यहाँ पर लॉस किया था उसकी हमने रिकवरी कर ली है, प्लस $600 में यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुकी हूँ। ओके सो गाइस फाइनली आपका कैपिटल बड़ा है तो ये चीज़ आप जो है ईजिली सीख पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट बड़ा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट देता है ईजिली। सो गाइस हमने यहाँ पर सारे लॉस की अपनी रिकवरी कर ली है, प्लस आप देख सकते हैं मैं $4,400 प्रॉफिट में आ चुकी हूँ, और इस हिसाब से हमारी यहाँ पर अभी 11th पोजीशन हो जाएगी। ओके आप देख सकते हैं, तो गाइस फाइनली आपको इसी चीज़ को यूज़ करना है, हाइपर नहीं होना है, पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है, और बस यही चीज़ें आपको जो है अप्लाई करनी है। ओके इंडिकेटर किसी फालतू इंडिकेटर के चक्कर में नहीं आना है, बस वही इंडिकेटर जो आपको इजीली ट्रेंड आपको मार्केट को क्लैरिफाई करता हो, जिसको आपको जिसको यूज़ करने से आप क्लियरली मार्केट की लैंग्वेज समझ पाते हो, आपको वही इंडिकेटर यूज़ करना है, फालतू का इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। ओके सो गाइज होप्स आप सभी को इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको एक कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं, और यूज़ करना चाहिए तो कौन सा यूज़ करना चाहिए। ओके
सो गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर उनका भला करवा दे, ओके, उनकी लॉस रिकवरी करवा दे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट के बेसिस पर हो सकता है कि हमारा इस बार का विनर ऑफ दिस वीक अनाउंस किया जाए, ओके। सो गाइस थैंक यू, ऑलवेज सपोर्ट ऑन मॉडर्न ट्रेडिंग। याद आया, मॉडर्न ट्रेडिंग अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।